कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद 5 रुपए की कटौती को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। जहां बीजेपी के द्वारा पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती किए जाने पर सरकार का आभार जताकर महंगाई कम करने की कवायद बताई जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने केवल मात्र ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने मांग की है कि पूर्व यूपीए सरकार के समय में तय एक्साइज पर दामों को तय करें, तो प्रदेश बीजेपी सचिव बिजयपाल सुहारो ने पेट्रोल डीजल के दामों से जनता को राहत मिलने की बात कही। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पेट्रोल डीजल के दामों में 5 रुपए की कटौती को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया है। कौशल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार सच में रेट कम करना चाहती है तो पूर्व यूपी के समय सरकार द्वारा तय किए गए एक्साइज पर पेट्रोल डीजल के दाम तय करें। कौशल ने दावा किया है कि अगर सरकार ऐसा करती है तो हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दामों में 15 से 20 रुपए की कटौती हो जाएगी। पिछले कल भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ कमी की है। ये एक ऐसा मजाक हिंदुस्तान की सरकार ने इस देश के नागरिकों के साथ किया जिसकी जितनी मैं समझता हूँ कि बदसरना की जाए कम है। चारों तरफ से महंगाई की मार झेल रही जनता के साथ इससे बड़ा मजाक और कोई नहीं हो सकता कि आप हर दिन डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते 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 इनको 50 से आप 85 और 75 पे ले आए। भारत सरकार से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी उस समय और उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो सेंट्रल टैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर था, पेट्रोल और डीजल के ऊपर था, उस स्तर पर सेंट्रल टैक्स को गवर्नमेंट लेके आए। आप देखेंगे कि अगर उस स्तर पर सेंट्रल टैक्स को गवर्नमेंट लेके आती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कम से कम 20 रुपए की कमी जो है वो तुरंत आपको देखने को मिलेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश सचिव बिजयपाल सुहारो ने कहा कि सरकार के बैट घटाकर दामों में 5 रुपए कटौती किए जाने पर जनता को राहत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिलने के चलते बेतुकी बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। और डीजल पे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो राहत दी है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, धन्यवाद करती है। आम जनता के लिए काफी सुखद फैसला है ये। जैसा कि आपको पता है कि डॉलर के रेट डे बाय डे बढ़ रहे हैं, उसी आधार पे क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है, मगर फिर भी हम देश के प्रधानमंत्री का और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 2.5-2.5 रुपए करके 5 रुपए तक की राहत प्रदेशवासियों को दी है। और वैसे ही पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भाजपा शासित प्रदेश हैं वहां पे राहत दी गई है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री दोनों ही बहुत गरीब घरों से पैदा हुए हैं, इन्होंने गरीबी को देखा ही नहीं, इन्होंने गरीबी महसूस की है, इसलिए इनको चिंता है कि आम व्यक्ति के लिए जो भी करने वाले काम है वो ये कर रहे हैं और ये रहता है, हमेशा वो इश्यू ढूंढते हैं। आज तक आप देखें पिछले 6-7 महीनों में उन्होंने अलग अलग इशू ढूंढे मगर कोई भी इशू हिट नहीं हो पाया क्योंकि वो सच्चाई से कोसों दूर था। तो कांग्रेस का काम ही है विरोध करना, मगर ये जो हमने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ये पूरे देश ने देखा है, लोगों को राहत दी है और इससे लोगों को बहुत सुकून मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है।